आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में पूर्ववेशी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मोटरसाइकिल तिरंगा रैली निकाली। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करीब 1000 की संख्या में निकाली गई इस मोटरसाइकिल तिरंगा रैली ने इटवा विधानसभा से शुरू होकर पूरे जिले का भ्रमण किया। इस मोटरसाइकिल रैली के बारे में बताते हुए पूर्व विधायक बेसी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि आज़ादी के 75वें साल से मोदी के आह्वान पर लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा में युवाओं ने उत्साहित होकर पुरजोर तरीके से भाग लिया और लोगों को यह अवगत कराया कि हिंदुस्तान का युवा देश पर मर मिटने को तैयार है। आजादी का अमृत महोत्सव है, तिरंगा अभियान पूरा देश मना रहा है। उसी कार्यक्रम के निमित्त सुपाल जनपद में भी डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी बना भैया है डीजे चले योगी सतीश द्विवेदी। हमारे देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग पिछले साल से मना रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री दुनिया के शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव मनाने का। इसी दौरान बार बार हम हर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान करते हैं। अभी इस साल मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, इसलिए हमारे मन में हमारे कार्यकर्ताओं और नौजवानों के मन में विचार आया कि क्यों ना मोदी जी के आह्वान पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद पूरे लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज का भ्रमण करते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाए। आज आपके सेवक आपके बेटे डॉक्टर सतीश द्विवेदी के नेतृत्व में इटवा से 750 मोटरसाइकिलों के साथ एक यात्रा निकली भव्य तिरंगा यात्रा जो सूरतगढ़ कपिलवस्तु बांसी डुमरियागंज और इटवा विधानसभा में पहुंचकर फिर यात्रा पूरी होगी। ये 750 लोग तो लगातार चल रहे हैं लेकिन हर विधानसभा में हर चौराहे पर हर प्रमुख जगह पर सैकड़ों युवाओं का जत्था मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगाकर हमको ज्वाइन कर रहा है। मैं पूरे जिले के नौजवानों का भाजपा के कार्यकर्ताओं का इस कवरेज के लिए मीडिया के मित्रों का जनप्रतिनिधियों का सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए।